नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अरे अंकल, आप? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं फिर आऊंगा। ये सब चीजें तुम्हारे लिए हैं। इतनी सारी चीजें? अंकल अब बहुत अच्छे हैं। मैंने मम्मी से कहा था कि पापा जैसे अंकल मेरे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी अंकल तुम्हारे पापा जैसे नहीं हो सकते। चलिए मैं आपको मम्मी से मिलाती हूँ। देखो बेटे, तुम्हारी मम्मी से बाद में मिलेंगे, ये चीजें रख लो। नहीं अंकल, वैसे भी आपको घर चलना ही पड़ेगा। इसकी दो वजह। क्या? नंबर एक, आप इतनी सारी चीजें लाए हैं तो मैं कैसे उठा कर ले जाऊंगी। नंबर दो, मम्मी ने मना किया है किसी से भी कोई चीज नहीं लेना, तो आप उनके सामने चल के मुझे दीजिए, तब मैं लूं। चलिए ना अंकल, प्लीज। चलो बेटे। मम्मी मम्मी, देखो मैं पापा जैसे अंकल को लाई हूँ। कितनी सारी चीजें लाए हैं मेरे लिए। तुम ये सब ले जाओ और खेलो, मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ बातें करनी है। अच्छा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू अंकल। ये लो बेटा। क्या बात है राधा, बहुत परेशान लग रही हो। कुछ देर पहले एक औरत आई थी, उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने उस पर भरोसा कर लिया। उसने अपने बारे में और डॉली के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद मुझे ये धमकी दे गई है कि वो ये सब कुछ अखबारों में छपवा देगी। अखबारों में छपवा देगी? हाँ, मुझे अपनी बदनामी का डर नहीं है श्याम, लेकिन अगर ये सब कुछ अखबारों में छप गया तो तुम्हारी पत्नी के मन को कितना दुख पहुंचेगा। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी। लेकिन वो औरत कौन थी? रुक्मिणी। श्याम की पत्नी, यही मेरा परिचय है राधा। श्याम, ये सब अब तक तुमने मुझसे छुपाया क्यों? छुपाया नहीं रुक्मिणी, लेकिन तुम्हें बताने की कोई जरूरत, कोई मौका ही नहीं आया। राधा ने गुमनामी की जिंदगी ओढ़ ली, इसलिए तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी। मौका इसलिए नहीं आया क्योंकि डॉली अभी छोटी है। मैं तुमसे पूछती हूँ श्याम, जिस दिन डॉली बड़ी होकर अपने पापा के नाम की तलाश में निकलेगी, तब क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? और राधा, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा डॉली को देने के लिए? जब डॉली बड़ी होगी तो वक्त बहुत बदल जाएगा। वक्त बदलने से बदलता है, अपने आप नहीं। ये बदल सकते थे वक्त को, लेकिन ये खुद बदल गई। अगर ये अपने मरते हुए डैडी की बात ना मानते तो इन चार जिंदगियों का रूप कुछ और ही होता। श्याम, तुम्हारी जिंदगी में राधा मुझसे पहले आई, बाद में आती तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करती। लेकिन तुमने मुझसे शादी करके राधा के सारे हक छीन लिए। मैं तो ऐसा नहीं मानती। इन्हें दोष मत दो, जिंदगी कई मंजिलों से गुजरती है। शायद मेरी मंजिल श्याम नहीं थे। नहीं राधा, सच तो ये है, जहां आज मैं हूं वहां तुम्हें होना चाहिए था। तुम इनकी जिंदगी की पहली सच्चाई हो। उस वक्त ये अकेले थे तो वक्त को नहीं बदल पाए। आज हम तीन हैं, हम तीनों वक्त को बदल देंगे। श्याम, राधा को उसका सम्मान, एक पत्नी का अधिकार तुमको देना पड़ेगा। तुम ये मत समझना श्याम, मैं तुमसे तलाक लूंगी। तलाक औरत के लिए गाली होती है, और वो गाली मैं खुद को नहीं दूंगी। तुम्हारे घर से तो मेरी अर्थी उठेगी। राधा, तुम मेरे पति की पत्नी बनोगी डॉली के खाते। नहीं, कभी नहीं। ये समाज और ये दुनिया कभी ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ राधा, अब सवाल इनकी मंजूरी का है। बोलो श्याम, चुप क्यों हो गए हो? डॉली को जन्म दे सकते हो तो अपना नाम नहीं दे सकते? मैं पूछती हूँ, राधा का कसूर क्या है?
उसने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें देवता समझकर अपना तन मन अर्पण कर दिया। तुम उसके त्याग से अनजान हो गए। बेकसूर को सजा देने का हक भगवान को भी नहीं है, फिर तुम कौन हो? तुम्हें क्या हक है? बोलो, जवाब दो। हम अगर तुम्हारा फैसला मान भी लें, तो कानून और समाज एक पत्नी के होते दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता। जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे? हाँ, मैं जानती हूँ लोग क्या कहेंगे, खासतौर से औरतें। पर ये कदम उठाना हर औरत के बस की बात भी नहीं है। देखो रुक्मिणी, हम डॉली और राधा के लिए जो कुछ भी होगा करेंगे, हम जीवन भर उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन श्याम, औरत को जीवन गुजारने के लिए दौलत नहीं, जीवन साथी की जरूरत होती है। औलाद को उसके बाप के नाम की जरूरत होती है। सीता की तरह राधा को मैं जीवन भर वनवास नहीं काटने दूंगी। डॉली और राधा का अधिकार हमारे घर पर उतना ही है जितना तुम्हारा और मेरा। नहीं, मेरे लिए उस घर का रास्ता खो गया है। लेकिन वो रास्ता मिल गया है राधा, और वो रास्ता शादी के मंडप से गुजरता है। मम्मी, गुड नाइट पापा। किसका खत पढ़ रही हो इतने प्यार से? मम्मी का। मैंने उन्हें लिखा था कि मुझे तुमसे तुमसे क्या मोहब्बत है। तो उसका जवाब आया है। क्या लिखा है? अरे बताओ तो सही, क्या लिखा? हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए सर, हमारी छुट्टियां हो गई हैं, कल हम बॉम्बे जा रहे हैं। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा है बच्चों। बंबई शहर जाके अपने अपने माँ बाप से आशीर्वाद जरूर ले लेना, क्योंकि बगैर माँ बाप के आशीर्वाद के जिंदगी में असली रंग नहीं आता। मेरी ये राय, हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो, रब भाग लाए तुहानू।